सो गाइज, होली का दिन बहुत ही जल्द आ रहा है और आज हम आप लोग को होली पे एक न्यू फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, जिसका आप ओरिजिनल फोटो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा था। उसके बाद इस फोटो को ही होली स्पेशल फोटो एडिटिंग करने के बाद देख सकते हो कि ये फोटो कितना ज़्यादा अमेजिंग, कितना ज़्यादा झकास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इस तरह का फोटो एडिटिंग आज हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ स्नैपसीड ऐप से सिखा दूंगा, बहुत ही कम प्रोसेस में, 3 से 4 स्टेप में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, और यदि आप लोग को ये एडिटिंग पसंद आती है उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए एडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, उस तरह का एडिटिंग करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने फोन में स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे, और ओपन करते ही जस्ट आप लोग को यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप लोग को अपने गैलरी में जितना फोटो होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन आप लोग को जो फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली वो फोटो को ओपन कर लेंगे स्नैपसीड ऐप में। अगेन यहाँ पे क्या क्या करना होगा ये आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि आप लोग को ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है। सो गाइज, सबसे फर्स्ट में आप लोग को बीच में पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन जाता है सिलेक्टिव का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने स्किन को जूम कर लीजिएगा, यानी फोटो को जूम कर लीजिएगा, और अपना जो स्किन वाला एरिया होगा जहाँ पे डार्क होगा उसको सिलेक्ट करके साइज को छोटा कर लीजिएगा, और फिंगर को राइट की ओर घिसते हुए ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे और यहाँ पे सेचुरेशन को हल्का कर देंगे डाउन, ठीक है। अगेन क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोग को यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन फिर से मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अपने दूसरे स्किन पे यानी दूसरे जगह पे इसको फिर से टैप करके और सेम काम करेंगे, ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, हल्का सेचुरेशन को डाउन कर देंगे, ठीक है। और ये काम करने से क्या होगा कि आपका स्किन अगर हल्का डार्क भी दिखता है तो वो गोरा हो जाएगा एकदम अच्छे तरह से, ठीक है। तो ये काम अपने फोटो में करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, फोटो एडिटिंग करते हो तो आप लोग कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, बहुत ही आराम आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो ये काम भी पूरे स्किन पे कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ पूरे स्किन पे, और यहाँ पे होने के बाद एक जगह और बचा हुआ है तो यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा भी दिख रहा है वहाँ पे करना जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे, इतना सारा काम हो चुका है, अगेन मेरे भाई आप लोग को यहाँ पे राइट साइड में नीचे डन वाला ऑप्शन से कर देना होगा डन, और डन कर देंगे और इतना सारा काम हो चुका है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो, फिर से आप लोग को जाना होगा यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे, इसका नाम है टूल्स, तो यहीं पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप लोग को एक काम यहाँ से करना होगा, एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी 4-5 फिल्टर मिल जाएगा, लेकिन ये डार्क वाला जो ब्लैक वाला फिल्टर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर से इसको कर देंगे नीचे राइट साइड में डन वाले ऑप्शन से, इसको यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। यहाँ पे फोटो देख सकते हो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला काला हो चुका है, लेकिन इसको एडजस्ट करना है तो क्रोस्टर वाले ऑप्शन पर जाके और यहाँ पे नीचे एक व्यू एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे सबसे ऊपर में ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ पे फाइल मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके और बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। अगेन यहाँ पे क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में आप लोग को इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, और करने के बाद क्या करेंगे, नीचे ब्लैक एंड व्हाइट को पूरा जीरो ही रखना है, जैसा कि देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट पूरा जीरो है, और इस इफेक्ट को अपने स्किन पर से हटा लेंगे, ठीक है। ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पर से इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा बना हो, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। अगेन मेरे भाई ये काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग को फिर से नीचे राइट साइड में डन वाले ऑप्शन से यहाँ से हम इसको कर देंगे डन, ठीक है। आप लोग भी कर लीजिएगा, और यहाँ पे देख सकते हो फोटो अभी पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगेन यहाँ से डन करके एक बार कर देंगे हम बैक, ठीक है, डन करके बैक कर दीजिएगा आप लोग भी। अगेन दूसरा काम करना होगा, आप लोग को फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पर ही जाना है, और इस बार हम जाएंगे डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, तो ओपन इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओपन इमेज। अगेन यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेड कलर का जो बैकग्राउंड है उसको हम इस फोटो पे कर लेंगे एडिट, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो भी बैकग्राउंड पीएनजी का यूज करूंगा इस फोटो में, सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगेन बीच में स्टाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, सबसे लास्ट में ओवरले का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे राइट साइड में डन वाले ऑप्शन से कर देंगे डन, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो अभी फोटो पूरा खराब हो चुका है, यानी रेड रेड हो चुका है। इसको भी ठीक करने के लिए क्रोस्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर फिर से हम क्लिक करेंगे, और सबसे ऊपर में डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके और बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक, ठीक है। और इतना सारा काम हो चुका है। अगेन मेरे भाई यहाँ पे डबल एक्सपोजर जो जीरो दिखाई दे रहा है इसको पूरा +100 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कपड़ा का कलर आप लोग को चेंज करना होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर करके यहाँ पे क्या करेंगे, कपड़ा का कलर को हम कर लेंगे चेंज, यानी कि मैं तो शर्ट का कर रहा हूँ, आप लोग अगर चाहो तो पैंट का भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काम हम थोड़ा जल्दी जल्दी में करके उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं।
और ये भी काम हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। अगेन इसको भी हम कर देंगे डन, और डन करने के बाद एक बार हम इसको परमानेंटली सेव करने के लिए करना होगा बैक। ठीक है, तो यहाँ से डन करके बैक कर दीजिएगा। अगेन आप लोग को फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इस बार जाएंगे फिर से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे फिर से जाएंगे ओपन इमेज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो होली का बैकग्राउंड और PNG भी इसे बोल सकते हैं उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ से सेकेंड नंबर पे लाइटन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। ठीक है, और ये आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे तो कभी नहीं फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है, और डन कर देंगे। और डन करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसको एडजस्ट करने के लिए यानी बैकग्राउंड में एडजस्ट करने के लिए क्रॉस थ्रेड वाले ऑप्शन पे जाके और जाएंगे हम व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे, और सबसे ऊपर में डबल एक्सपोजर का फाइल मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक, और नीचे डबल एक्सपोजर को पूरा 100 रख के, और क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हो डबल एक्सपोजर पूरा 100 है। उसके बाद इसको ना जो भी PNG को ऐड किया है सिर्फ और सिर्फ इसको बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने फोटो के बैकग्राउंड में अपने फेस या फिर अपने बाल, अपने कपड़ा जो भी होगा उस पर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड में अप्लाई करेंगे, वो भी बहुत ही आराम आराम से। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है भाई, तो चलिए हम इसको भी फटाफट से करके आगे आप लोग को बताते हैं। और ये भी काम हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। उसके बाद फिर से कर देंगे डन। ठीक है, डन करके एक बार बैक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम डन वाले ऑप्शन से डन कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद हम फिर से ऊपर में कोने में यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कर देंगे बैक। उसके बाद क्या करना होगा, अगर आप लोग चाहो अपने गाल पे PNG को ऐड कर सकते हो, गुलाल PNG को या फिर टीका वाला PNG को, तो उसको ऐड करने के लिए आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को कर लेना होगा पिक्सार्ट ऐप में ओपन। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को, बाकी आप लोग PNG डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे पिक्सार्ट ऐप में हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये फोटो पिक्सार्ट ऐप में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, जैसे कि देख सकते हो ऐड फोटो का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद जो भी PNG रहेगा आपका वो PNG को ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टीका, जैसे कि तिलक जो है उसका, हम PNG यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद इसको कैसे एडजस्ट करना है ये तो सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपने मतलब साइज़ को छोटा करके अपने माथे पे लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से एकदम बीचम बीच में, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो यार लगेगा कि फेक है। ठीक है, और अच्छा से करोगे तो लगेगा रियल है। तो यहाँ पे मैंने रियल की तरह कर दिया है। अगेन मेरे भाई यहाँ से कर देंगे फिर से इसको हम डन। ठीक है, डन कर दीजिएगा, और डन करने के बाद फाइनली फोटो एडिटिंग एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह का फोटो को एडिट करना यार कितना आसान था, यानी आम बात था, आप लोगों ने देख ही लिया। और इसको बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फोटो एकदम फटाफट से गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आप लोग को वीडियो जरा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने वीडियो को मतलब ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।